तीसरी लहर जाते ही कोरोना से हो रहे म्यूकोर माइकोसिस नामक खतरनाक बीमारी के केसेस अब बढ़ने शुरू हो गए हैं। इस समय हम सभी को ये जानना बहुत जरूरी है कि ये म्यूकोर माइकोसिस बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या है, क्या सभी को इस बीमारी से डरने और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसी विषय पर संपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए आज हम जानेंगे नागपुर के प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशांत चौधरी से। तो आइए जानते हैं म्यूकोर माइकोसिस बीमारी के क्या है लक्षण, क्या है इसके उपचार और संपूर्ण जानकारी हमारे इस प्रोग्राम एक खास मुलाकात में। मैं डॉक्टर प्रशांत चौधरी, मैं विनायक नेताले चौधरी हॉस्पिटल में आई स्पेशलिस्ट हूँ। मैं कैटरेक्ट सर्जरी और रिफ्रैक्टिव सर्जरी में मेरी अच्छी ट्रेनिंग है। तो चौधरी सर, अगर बात की जाए पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में देखा जा रहा है म्यूकोर माइकोसिस, जिसे हम ब्लैक फंगस भी कहते हैं, ये बीमारी बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ती नजर आ रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या होता है म्यूकोर माइकोसिस। म्यूकोर माइकोसिस ये पुरानी बीमारी है, आजकल ये ज़्यादा प्रमाण में देखी जा रही है क्योंकि ये पोस्ट कोरोना पेशेंट में पाई जा रही है। पोस्ट कोरोना जिनको कोरोना हो चुका है और अभी पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, इनमें ये पाई जा रही है। तो ये म्यूकोर माइकोसिस एक फंगस होता है, जैसे बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, वैसे एक फंगस होता है। तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट जैसे हवा में, सॉइल में पाया जाता है। तो ये फंगस इन्फेक्शन जिनकी इम्यूनिटी डाउन है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनको गलत इस्तेमाल सिगरेट का किए हैं, इनमें ज़्यादा पाया जा रहा है। इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल हुआ है महामारी में, जिसके कारण कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ये म्यूकोर माइकोसिस के। वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो जहाँ से ऑक्सीजन लिया गया है वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन है, जो मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन नहीं है, जिसमें ये कीटाणु रहित है या ये मालूम नहीं है। तो इसमें म्यूकर भी हो सकता है और जो फिर पेशेंट को दिया जा रहा है तो वो म्यूकर माइकोसिस उससे हो सकता है। तो इसके लक्षण के अगर बारे में बात करें, सिम्टम्स के बारे में बात करें, तो क्या मूलभूत सिम्टम है इसके, क्या कहेंगे? इसके सिम्टम्स जैसे एक साइड में हेडेक होना, एक साइड में सुन पड़ना चेहरे पे, फिर नाक से ब्राउन या ब्लैक लिक डिस्चार्ज आना, या फिर दांत ढीले होना, दांत में दर्द होना, और किसी को साइनोसाइटिस भी हो जाता है इसमें। कई साइनोसाइटिस कॉमन है, इनफैक्ट साइनोसाइटिस हो जाता है, और कभी कभी ये इसको बोलते हैं राइनो ऑर्बिट सेरिब्रो ऑर्बिटल डिसीज़, मतलब ये शुरू होता है नाक के तरफ से, नाक या मुंह की तरफ से शुरू होता है, फिर ये साइनस में जाता है, फिर ये आँख में जाता है, फिर आँख के ऑर्बिट में इन्वॉल्व हो जाता है और ये ब्रेन में चले जाता है। तो इस प्रकार से इसकी ट्रीटमेंट जो है वो ऑप्थेलमोलॉजिस्ट, ENT सर्जन, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, पैथोलॉजिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, इन सबको ये सब टीम इन्वॉल्वमेंट रहता है। बात की जाए कोरोना डर के बारे में, अगर हम बात करें तो कोरोना और म्यूकोर माइकोसिस, इसमें अगर ज़्यादा भयानक बीमारी कौन सी, अगर ऐसा अगर हम कंपेयर करें तो कौन सी बीमारी है? कोरोना में तो 90% लोग को अभी देखा ही गया है कि 90% लोग बच जाते हैं, सिर्फ मॉर्टेलिटी रेट 10% है इंडिया में, और ये डिसीज़ में 50% है मॉर्टेलिटी रेट। तो ये ज़्यादा खतरनाक है, बट ये खतरनाक होने के बावजूद इसकी जो संख्या है 10,000 में से 2-3 लोगों में हो रहा है। तो अगर बात की जाए उपचार संदर्भ में, अगर बात करें ट्रीटमेंट की, अगर बात करें तो किस तरह की ट्रीटमेंट म्यूकोर माइकोसिस की दी जाती है? तो म्यूकोर माइकोसिस की ट्रीटमेंट, मतलब पहले डायग्नोसिस रहता है। तो डायग्नोसिस के लिए जैसे अभी नाक में इन्वॉल्वमेंट हो गया है, तो नाक में उसमें से जो स्क्रेपिंग करके जो एक नेजल एंडोस्कोप होते हैं, ENT सर्जन उसमें अंदर में नाक में ट्यूब डाल के देखते हैं कि कितना फैला है, साथ में एक छोटा सा उसका बायोप्सी के लिए एक टुकड़ा निकाल के उसको माइक्रोस्कोप में एग्जामिन करते हैं। तो उसमें उनको 30 मिनट में पता चल जाता है कि ये म्यूकोर माइकोसिस है कि नहीं। दूसरा है जो एक है कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड MRI, तो ये एक इससे भी पता चलता है, और CT एक्सरे वगैरह भी करवा सकते हैं। बट ये दोनों जो है, जो माइक्रोस्कोपी और MRI डायग्नोस्टिक, ये दोनों डायग्नोस्टिक है। तो
तो ये ट्रीटमेंट जो है वो एम्फोटेरेसिन बी करके एक दवाई होती है जो आजकल शॉर्टेज में भी चल रही है। तो इस एम्फोटेरेसिन बी जो दवाई है वो आईवी के रूप में या फिर ओरली टैबलेट्स भी अवेलेबल रहते हैं। तो डॉक्टर अपने ट्रीटमेंट के पेशेंट के अनुसार कोई भी ट्रीटमेंट चालू कर सकता है। और पेशेंट के डिस्चार्ज के समय में एक पोस्कोनाजोल करके ड्रग रहता है, वो लॉन्ग टर्म आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। और कभी कभी ये दोनों को भी एक्ट करने के लिए सब अगर आपके आँख में या कहीं नाक में या फिर कहीं पे भी जो ब्लैक एरिया हो गया है उसको स्क्रेपिंग से निकाल के, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो ज़्यादा जैसे ऑर्बिट में आ गया या फिर अपने इधर अंदर के पैलेट में आ गया, तो फिर वो कभी कभी इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है कि वो उसका उसको निकालना भी पड़ सकता है। तो कभी कभी ऐसा देखा है कि जबड़ा, किसी का जबड़ा निकला है, किसी का आँख निकला है, तो ये निकालना पड़ क्योंकि ये काफ़ी आगे तक पहुँच गया है तो इसको निकालना इसलिए ज़रूरी पड़ता है। नहीं तो ये इतना फैल जाता है कि वो ब्रेन तक भी पहुँच जाता है, और ब्रेन पे पहुँच गया तो बहुत कम चांसेस होते हैं जिंदा रहने के। तो आँख में क्या होता है कि आँख में सूजन आ जाती है, दोनों पलक सूख जाती है, कभी कभी पलक नीचे की तरफ आ जाती है, डबल पेशेंट को डबल दिखना चालू हो जाता है, और पेशेंट को जो आँख के मूवमेंट्स है वो कम हो जाते हैं, कभी कभी आँख थोड़ी बाहर की तरफ आ जाती है, उसको प्रॉप्टोसिस भी बोलते हैं। और आँखों में जो बीमारियाँ होती है इसकी, तो एक होती है ऑप्थेल्मोप्लेजिया, दूसरा होता है यूवेटिस, रेटिनाइटिस, ऑप्टिक न्यूरोपैथी और कंजंक्टिवाइटिस। कंजंक्टिवाइटिस तो शुरुआत में होती है, तो लाल आँख भी होती है पेशेंट की, तो ये सब बीमारियाँ हो सकती है उसमें। बात की जाए के बारे में तो माहौल कुछ इस तरह का है कि लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और हर छोटी चीज़ को म्यूकरमाइकोसिस से जोड़ के देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप, आँखों में अगर कुछ अगर तकलीफ होती है तो क्या सलाह आप जनता को देंगे? तो आँखों में अगर आपको समस्या हो रही है तो ये एक बार समझ लेना चाहिए कि ये बीमारी किनको हो सकती है, जिनकी प्रतिकार शक्ति कम है, जिनको कीमोथेरेपी चल रही है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट है और जिन्होंने स्टीरॉयड भी लिया हुआ है, जिन्होंने मिसयूज़ किया है स्टीरॉयड का, इनको हो रही है। तो ऐसे लोगों में अगर ये सब प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, हेडेक वगैरह जो मैंने पहले बताए वो सब हो रहे हैं, तो इन सब लोगों ने उसकी सीरियसनेस समझ के डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। हम अगर विनायक नेत्रालय की बात करें, म्यूकरमाइकोसिस के संदर्भ में क्या क्या फैसिलिटीज विनायक नेत्रालय में अवेलेबल है, क्या क्या? म्यूकरमाइकोसिस कैसे, ये बड़े हॉस्पिटल के जहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ है वहीं पे इसका ट्रीटमेंट होता है। हमारे यहाँ पे पेशेंट आएगा तो वो डायग्नोसिस हो जाता है और हम उसको रेफ़र कर देते हैं। बाकी हमारे हॉस्पिटल में सिर्फ आई रिलेटेड जो ट्रीटमेंट है वो हो जाती है, बट इसमें कैसा है, इसमें टीम इन्वॉल्वमेंट लगता है, इसलिए ये जो हॉस्पिटल, जो बड़े हॉस्पिटल है यहाँ पे पूरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहती है, यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, पैथोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, ये और ENT सर्जन, ये सब रहते हैं साथ में, तो ये साथ मिल के उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अगर मैं सिर्फ एक ही चीज़ की ट्रीटमेंट करूँगा तो वो सही नहीं होगा, इसलिए हम सिर्फ डायग्नोस, हमारा पेशेंट आया है भी तो हम उसको एक बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए भेज देते हैं। ऐसे चैनल के माध्यम से जो डरी हुई जनता है उनको क्या संदेश आपके माध्यम से देंगे? इसमें ये समझने वाली बात है कि डरना नहीं चाहिए, ये सभी को नहीं होती है, इसकी मात्रा बहुत कम है, ये 10,000 में से 3 लोगों को हो रही है, ये सिर्फ जिनकी प्रतिकार शक्ति कम है उनको हो रहा है, जिन्होंने डायबिटीज़ ज़्यादा है या ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा रहती है उनकी, ऐसी कंडीशन है तो इन्होंने डरना चाहिए। अदरवाइज़ बाकी पेशेंट की प्रतिकार शक्ति सबकी अच्छी होती है, और कोरोना तो हवा में भी रहता है, इसमें भी रहता है, तो किसी को भी हो सकता है। तो सामान्य जनता ने अपना मास्क पहनना चाहिए, इसका प्रिवेंशन मतलब मास्क पहनना, कि वो स्पोर्स सबके नाक में ना चले जाए। दूसरी बात है कि आजकल लोग वो स्टीम ले रहे हैं तो ह्यूमिडिटी हो रही है उससे आपको नाक में, तो उससे और भी बढ़ सकता है ये। तो और अभी दूसरे भी जो फैक्टर्स है जैसे जिंक वगैरह
खा रहे हैं पेशेंट्स, तो वो अभी खाए नहीं फिलहाल, क्योंकि ये म्यूकर माइकोसिस उन लोगों में बढ़ रहा है। तो ये ऐसा बोला जा रहा है कि जिंक भी एक फैक्टर है, और कुछ लोग बोल रहे हैं कि आयरन लेवल अपनी बढ़ने से भी हो रहा है। तो ये भी रिसर्च का विषय है, ये अभी इसका पूरी तरह से पता नहीं है। तो आम लोगों ने डरना नहीं चाहिए, ये बहुत कम लोगों हो रहा है, लेकिन जिनको हो रहा है तो ये सब जो मैंने कंडीशन बताया शुरुआत में, उन लोगों ने थोड़ा सा डरना चाहिए। अदरवाइज बाकी लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिनकी आप सब बाकी अपनी प्रतिकार शक्ति सबकी अच्छी होती है, तो इसलिए अपने को अभी तक हुआ भी नहीं है। पेशेंट ने केयर के तौर पे आयोडीन के गार्गल्स करना चाहिए, ब्लड प्रेशर, पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन का लेवल और पल्स का मेजरमेंट करना चाहिए, और उसका एक रिकॉर्ड बना के रखना चाहिए। पेशेंट जिनको स्टीरॉयड चल रहा है उन्होंने स्टीरॉयड बंद करना है, जिनको डायबिटीज़ है उन्होंने अपनी ब्लड शुगर लेवल मॉनिटरिंग करना है, जिनको स्टीरॉयड भी ले रहे हैं उनको भी अपना ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करना है, और इसका रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे, इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही आपको लगता है कि यह खबर, ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो कृपया इस खबर को आगे शेयर जरूर करें।